हिरासत में जस्टिस दासी रिगिस्तान को मुबारकबाद पेश की गई। जस्टिस दासी को हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख की चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो ये एजाज हासिल करने वाले पहले लद्दाखी है। बार एसोसिएशन ने इसे पूरे लद्दाख खित्ते के लिए एक तारीखी मौका और लम्हा करार दिया। वाजह रहे कि चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माकरे के रिटायर होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। के लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है, एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारे लद्दाख का एक सपुत्र, लद्दाख का एक सन ऑफ द सॉयल, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचा है। हम दिल के अमीक गहराइयों से टशी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम हाथ जोड़ के उनके मशकूर और ममनून है कि उन्होंने एक लद्दाख के बहुत कामयाब, ईमानदार और मेहनती एक जज को एक एक्टिंग चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बनाया है। इसके लिए हम लद्दाख के ले के बार एसोसिएशन बल्कि पूरे लद्दाख के आवाम की तरफ से सबको शुक्रिया अदा करेंगे और दिली दिल से, दिल की गहराइयों से जस्टिस टशी रफ्तन साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको हम यही बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके लिए हम दुआ करते हैं कि भाई वो आगे भी कामयाब रहेंगे और पूरे लद्दाख का नाम रोशन करेंगे ही करेंगे और हमारे पूरे देश का नाम रोशन करेंगे ईमानदारी के लिए, मेहनत के लिए और इसी तरह से एक डिलीवरी ऑफ जस्टिस को एक इफेक्टिव वे से इन आगे तक पहुंचाने में कोशिश करेंगे। मैं इतना ही पूरे भारत शासन की तरफ से पूरे लद्दाख के